हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फार्मा गुरु जी इस चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टरबेशन के बारे में, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं हस्त मैथुन। तो इसके बारे में हम आपको देंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। आज हमारे भारत देश की युवा इस मास्टरबेशन से हो चुका है परेशान, और हमारे भारत देश के युवा इस मास्टरबेशन से बहुत समस्या भुगत रहा है। तो इसके कुछ हम आज बताएंगे साइड इफेक्ट, और हमें आपको आज ही से प्रण लेना होगा इस मास्टरबेशन से बचने के लिए, क्योंकि हम मास्टरबेशन से बचते हैं तो हम एक समाज में अच्छा वर्क कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट होने वाले जो होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम अनिल, यू वॉचिंग फार्मा गुरुजी चैनल। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट दोस्तों होता है, वो होता है हम लोग का वीकनेस, कमजोरी, शरीर का कमजोर होना। जी दोस्तों, हस्त मैथुन से क्या होता है, सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है वीकनेस, कमजोरी। इससे क्या होता है, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमें कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, आप इसके साइड इफेक्ट जैसा कि देख रहे हैं। तो दूसरे साइड इफेक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, और दूसरा साइड इफेक्ट है हमारा मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। अगर आप मास्टरबेशन, हस्त मैथुन एक दिन में 3 या 4 टाइम करते हैं तो आने वाले समय में आपको मानसिक तनाव होने लगता है। ऐसा आपने महसूस भी किया होगा कि अगर एक दिन में 3 या 4 टाइम आदमी हस्त मैथुन कर लेता है तो क्या होता है, उसे एक मानसिक तनाव होता है। कोई भी कुछ कहता है उसे समझ में नहीं आता है, उसे बोल के वो कहता चले जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, हम अगले मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा साइड इफेक्ट है, डिक्रीज स्पर्म काउंट। जी दोस्तों, अगर हम मास्टरबेशन लगातार करते हैं, हमेशा करते हैं, तो हमारी जो स्पर्म काउंट होती है, स्पर्म की संख्या घटने लगती है शरीर में। स्पर्म की संख्या जब हमारे शरीर में घटेगी तो कहीं ना कहीं हमारे सेक्सुअल एबिलिटी में वीकनेस होने लगेगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले साइड इफेक्ट के बारे में। और अगला साइड इफेक्ट है कि आदमी का एंग्री होना, क्रोधित हो जाना, मेमोरी लॉस होना। मैं मेमोरी पूरी तरीके से लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मास्टरबेशन आदमी एक दिन में या फिर रेगुलर करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे एक कंडीशन आएगा, उसके मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है, आदमी क्रोधित होने लगता है। और क्रोधित होने लगता है, ये सारे इफेक्ट मास्टरबेशन गैस मैथुन के, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं दोस्तों। तो आदमी क्रोधित होने लगता है, दिन प्रतिदिन उसका मेमोरी स्लोली स्लोली लॉस भी होने लगता है, आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। तो दोस्तों, अब अगले हम साइड इफेक्ट की तरह चलते हैं, और हमारा अगला साइड इफेक्ट है लोअर बैक पेन। जी दोस्तों, अगला हमारा साइड इफेक्ट है कि हमारे बैक पेन होने लगता है। अगर आप भी मास्टरबेशन के शिकार हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संभालना पड़ेगा और मास्टरबेशन को स्टॉप करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी, हमारी जनरेशन आने वाली ऐसे खराब होता चला जाएगा इस हस्त मैथुन से। तो दोस्तों, इससे हमें बचना पड़ेगा, नहीं तो इसका आप साइड इफेक्ट जैसा कि देख सकते हैं। और दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले साइड इफेक्ट के बारे में, मास्टरबेशन इफेक्ट इन डेली रेगुलर लाइफ। हमारे जो डेली की दिनचर्या होती है इसमें इफेक्ट हो जाता है। क्या होता है, हम कोई भी अगर लगातार मास्टरबेशन कर देते हैं तो हम टाइम से अपना काम नहीं करते हैं, टाइम से खाना नहीं लेते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत रोल होता है कि अगर आप हस्त मैथुन के शिकार हैं तो हमारे डेली लाइफ में इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों,
आज की वीडियो में हमने बताया कि हस्त मैथुन के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सबसे चलिए दोस्तों एक बार हम और बता देते हैं मास्टरबेशन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मास्टरबेशन का साइड इफेक्ट तो पहली जो होती है वीकनेस होती है, दूसरी साइड इफेक्ट हमने बताया कि मेंटल स्ट्रेस मानसिक तनाव, फिर हमने बोला कि डिक्रीज स्पर्म काउंट, फिर अगले बात बताया हमने कि एंग्री या फिर मेमोरी लॉस हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। अगली हमने साइड इफेक्ट इफेक्ट इन डेली रेगुलर लाइफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बताया कि मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट, और इसको आपको समझना पड़ेगा और हमें आने वाले भारत के युवा पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। और आज के बाद आप मास्टरबेशन कभी नहीं करेंगे। बाद में हमें लगता भी है कि मास्टरबेशन हमने कर दिया तो उसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आप अपने भारत को स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ रहिए और इस मास्टरबेशन से बचिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही सलाह था, इस मास्टरबेशन से आप लोग बचिए और सुरक्षित रहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।